अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आप हैं इकोनॉमिक्स विद साजिद के साथ। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है PPCS इकोनॉमिक्स का। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इकोनॉमिक्स मॉडल डिस्क्राइबिंग द वर्किंग ऑफ द इकॉनमी कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, इकोनॉमिक्स पोजिशन, सजेंटा रिलेशनशिप। तो ऑप्शन नंबर वन है हमारे पास फंक्शन रिलेशनशिप। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय दी फोर्स ऑफ, देखिए कीमतों का तयन कहाँ पर कायम होता है, डिमांड एंड कंजम्पशन, डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई एंड प्रोडक्शन। देखिए कीमत अशा की कीमतों का तयन वहाँ पर कायम होता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाए। ऑप्शन नंबर टू हमारा आंसर है। QD इज इक्वल टू QS। दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स आर, इकानमी के अंदर यानी मीशत के अंदर कितनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4, 3, 1, 2, फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। द वाटर डैमेज पैराडॉक्स वाज फर्स्टली रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ लेबर थीरी ऑफ वैल्यू, इंडिविजुअली थीरी ऑफ वैल्यू, प्रोड्यूस थीरी ऑफ वैल्यू, कंज्यूमर थीरी ऑफ वैल्यू। ऑप्शन नंबर वन है हमारे पास लेबर थीरी ऑफ वैल्यू। कार्ल मार्क्स लेड द रशियन रेवोल्यूशन प्रोवाइडिंग द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर सोशलिज्म, डिवेलप्ड हिज थीरी इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930। ऑप्शन नंबर टू है हमारे पास, कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म की थीरी पेश की थी। लेबर थीरी वॉज फर्स्टली रिजेक्टेड बाय, लेबर थीरी को किसने रिजेक्ट कर दिया था, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, रिकार्डो। ऑप्शन नंबर वन है हमारे पास कार्ल मार्क्स। प्राइस मैकेनिज्म हैज़ ऑलवेज गिवन नेम्स, रिकार्डियन फेयर, प्राइस सिस्टम, लेजी फेयर। लेजी फेयर का मतलब ये होता है कि हुकूमत अशाक कीमतों पर दखल अंदाजी नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर थ्री है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन इज़ फर्निश्ड विद दे। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। देखिए यार, परफेक्ट कंपटीशन में अशा को बेचने वाले और अशा को ख़रीदने वाले कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर वन है हमारे पास फ्यू सेलर, टू सेलर, मैनी सेलर, यानी मैनी सेलर अशा को बेचने वाले कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर थ्री है आंसर हमारा। इन रिकॉर्डिंग थीरी ऑफ वैल्यू दी स्ट्रेस हैज़ बीन मेड ऑन मार्जिनल यूजफुलनेस, मार्जिनल कॉस्ट या बोथ ऑफ देम। ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू, बोथ ऑफ देम हमारा आंसर है। ट्रेडिशनली द स्टडी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस इज कॉल्ड थीरी ऑफ प्राइस, थीरी ऑफ वैल्यू, थीरी ऑफ इम्पोर्टेंस, थीरी ऑफ कॉस्ट। ऑप्शन नंबर टू है हमारे पास थीरी ऑफ वैल्यू। अकॉर्डिंग टू मार्जिनल लिस्ट द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इज़ डिटरमाइंड बाई, देखिए अशा की जो कीमतें हैं वो डिक्रीज भी करती हैं, इंक्रीज भी करती हैं। ऑप्शन नंबर थ्री है हमारे पास बोथ ऑफ देम। जनरल इक्विलिब्रियम इज़ कंसर्न्ड विद द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ऑफ, जनरल इक्विलिब्रियम को हम 2x2x का मॉडल भी कहते हैं। ऑल द इकोनॉमिक्स एजेंट्स, फ्यू इकोनॉमिक्स एजेंट्स, टू इकोनॉमिक्स एजेंट्स, मैनी इकोनॉमिक्स एजेंट्स, ऑल द इकोनॉमिक्स एजेंट्स। ऑप्शन नंबर वन है हमारे पास। विद द डिक्रीज इन मार्जिनल वैल्यूएशन ऑफ द स्पेसिफिक कमोडिटी द प्राइस ऑफर्ड बाय द पीपल डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेंस अनचेंज। ऑप्शन नंबर वन है हमारे पास डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। द प्राइस ऑफ द वाटर इज लोअर एज एट हैज़ लोअर मार्जिनल वैल्यूएशन फॉर कंज्यूमर, लोअर मार्जिनल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसर, हायर मार्जिनल वैल्यूएशन फॉर कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर चार है हमारे पास बोथ ए एंड बी। ए एंड बी हमारा आंसर है। अकॉर्डिंग टू सेनेट थॉमस इक्विंस वैल्यू इज़ डिटरमाइंड बाई गॉड बट प्राइज बाय फर्म, पीपल, गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर टू है हमारे पास पीपल यानी लोग। अकॉर्डिंग टू सहमत बाई वैल्यू वी मीन्स द वैल्यू विद रिस्पेक्टेड टू यूज़ एंड द प्राइस वी मीन द वैल्यू विद रिस्पेक्टेड टू प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर थ्री है हमारे पास एक्सचेंज।
The production possibility curve is concerned with resources of the economy, interest of economy, limitation of economy, qualities of the economy. जो production possibility curve होता है economy के अंदर जितनी भी resources होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है. option number one है हमारे पास resources of the economy. scarcity means nil resources, limited resources, many resources, extra resources. इसका मतलब ये होता है हमारे पास क्या होते हैं limited resources होते हैं. option number two when resources are allocated by government planning decision making is decentralized. capitalism is usually the result. the economy is normally more efficient. option number one है हमारे पास decision making is centralized.